चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत सिलेक्शन कमेटी और मेंटोर्स का इजलास। टीम की हालिया कारकर्दगी और फिटनेस का तफसीली जायजा लिया गया। सिलेक्शन कमेटी और मेंटोर्स का इजलास 2 घंटे तक जारी रहा। नए खिलाड़ियों की कारकर्दगी जांचने का अमल रवां सीरीज के इख्तिताम तक मुकम्मल करने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी की पिचेस का मायार बेहतर करने की हदायत। बागों के शहर में जहरीली गैसों का अखराज, लाहौर का फजाई मायार मुजरे सेहत करार। आलूदा तरीन शहरों में फिर सरे फहरिस्त। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स पर शराह 230 तक आ गई। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना, आंखों में चुभन होने लगी। माहरीन ने मास्क समेत दीगर तदाबीर अपनाने का कह दिया। हवाओं की रफ्तार कम और साकिन होने से भी आलूदगी में इजाफा। दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पोलियो लाहौर में अपने पंजे गाड़ने लगा। सिवरेज के मजीद 3 नमूनों में वायरस की तस्दीक हुई। मुल्तान रोड, आउटफॉल रोड, गुलशन रावे डिस्पोजल स्टेशन के नमूनों में वायरस पाया गया। कौमी इदारा सेहत की रिपोर्ट जारी। शहर में पोलियो के खिलाफ बार बार मुहिम चलाने के बावजूद वायरस से छुटकारा ना मिल सका। जान बचाने वाली अद्वियात के 21 नमूने गैर मायारी करार। इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन टेबलेट सोलेरन का बैच गैर मायारी करार। इन्फ्यूजन मेट्रन सिरप कैरेनॉल के बैजेस फेल करार पाए। महकमा सेहत का अद्वियात का गैर मायारी बैच मार्केट से फौरी हटाने का हुक्म जारी। महंगाई कम होने के हुकूमती दावे हवा हो गए। आटे के बाद घी की कीमतों में भी इजाफा होने लगा। ओपन मार्केट में घी ऑयल की कीमतों में 50 रुपये फी किलो इजाफा। दर्जा सोयम का घी 390 रुपये से बढ़कर 440 रुपये फी किलो हो गया। दर्जा दोयम का घी 450 रुपये से बढ़कर 470 रुपये फी किलो हो गया। दर्जा अव्वल का घी 480 रुपये से बढ़कर 490 रुपये फी किलो हो गया। शहर में गिरा फरोश माफिया का राज। सरकारी निर्खनामे में दर्ज कीमतों का इजाक मुमकिन न हो सका। सब्जियों फलों की कीमतों में इजाफा, जायद निरखों में फोख से शहरी परेशान। आलू 77 के बजाय 120, प्याज 125 के बजाय 180 रुपये फरोख। टमाटर, लहसुन, अदरक, लीमू समेत दीगर सब्जियां भी 20 से 40 रुपए महंगी। केला, सेब, नाशपाती, अमरूद, अंगूर भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए। जिले इंतजामिया के शहर में तजावजात के खात्मे के बड़े दावे, हकीकत बरअक्स। आम शाहराहें तो दूर, सरकारी कॉलोनीज में भी तजावजात कायम होने लगी। वहदत कॉलोनी में कायम तजावजात से गलियां, ब्लॉक, मकीन का गुजरना मुहाल हो चुका। तजावजात समेत मॉडल बाजार के गिर्द गैर कानूनी इतवार बाजार लगना भी मामूल बन चुका है। नसीराबाद का फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से खराब। साफ पानी के लिए आने वाले मकीन खाली हाथ लौटने लगे। शिकायत दर्ज करवाने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही। अहले इलाका का इंतजामिया से फिल्ट्रेशन प्लांट फाल करने का मुतालबा। लाहौर चमकाने का मिशन। LWMC सफाई टीम में छुट्टी के रोज भी मुतहरिक। दही यूनियन काउंसिल्स में ओपन प्लॉट्स की क्लियरेंस का सिलसिला तेजी से जारी। वाघा टाउन, जल्लोपिंड, ताजगढ़, हांडो में सफाई टीमें तायुनात। उमर टाउन, निश्तर टाउन, शादाब कॉलोनी, काहना, गच्छू मता में प्लॉट्स क्लियर कर दिए गए। रिक्शा ड्राइवर्स को लाइसेंस के लिए किसी कतार का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रिक्शा ड्राइवर्स को लाइसेंस लेने के लिए मनावा में खसूसी कैंप। CTO कहती है लाइसेंस के हसूल के लिए रिक्शा ड्राइवर्स के लिए आसानियां पैदा कर दी गई। कमर्शियल गाड़ियों के सोमवार, मंगल और बुध को टेस्ट लिए जा रहे हैं। FBR का ग्रेड 1-4 तक की आसामियों पर भर्तियों का मामला। फील्ड फॉर्मेशन के सरबराह ने तकरियों बारे डेटा FBR को भिजवा दिया। 10 अक्टूबर तक उम्मीदवारों को भेजे गए फाइनल सिलेक्शन लेटर बारे डेटा भेजा गया। FBR ने ग्रेड 1-4 तक की असामियों के खिलाफ भर्ती का अमल रोक दिया था। CCPO बिलाल सदीक अमियाना के जेर सदारत इजलास, जेर तफ्तीश मुकदमात, रोड सर्टिफिकेट, औरतों और बच्चों से मुतल्लिका मुकदमात में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। डिवीजनल SP के मुकदमात के चालान बरवक जमा करवाने की यकीन दहानी। पुलिस अफसरान को शहरियों के लिए अपने दरवाजे खुले रखने की हदायत।
जमात इस्लामी पाकिस्तान का बड़ा इजलास जारी। हाफिज नईम रहमान इजलास से खिताब कर रहे हैं। पीपीएक 169 में इजलास दिखाने के लिए ऑनलाइन स्क्रीन का अहतमाम किया गया। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम लाहौर हेरिटेज रन रेस मुकाबला। लाहौर रनर्स के तआवुन से मुकाबले का अहतमाम करवाया गया। दौड़ का आगाज शाही फूड स्ट्रीट से हुआ। 7 किलोमीटर रूट पर अंदरून शहर के तारीखी मुकामात से गुजरते हुए वापस फूड स्ट्रीट पर इख्तिताम पजीर हुई। खवातीन बच्चों समेत 300 अफराद ने हिस्सा लिया। और पंजाबी फिल्म चोर दिल 25 अक्टूबर को रिलीज होगी। फिल्म को इंपोर्ट पॉलिसी के तहत रिलीज किया जाएगा। कास्ट में कॉमेडियन अमजद राणा और विक्की कोडू भी शामिल हैं।